रोल है। आखिरकार कल का इतना हंगामा हुआ, आखिरकार क्या विवाद है ये? सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आप लोग हम लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं। कल का जो ये विवाद है, कल का जो हादसा हुआ, उसका मुख्य मुद्दा एसटीईटी 2019 का विज्ञापन है। हम लोग कह रहे हैं संविधान का पालन करो, विज्ञापन का पालन करो। वास्तविकता ये है कि एसटीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में निकाला गया था और उसका जो विज्ञापन था, 8 पन्नों का विस्तृत विज्ञापन विज्ञापित किया गया। उस विज्ञापन को बजावते अखबार में विज्ञापित किया गया था। आनंद किशोर जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस विज्ञापन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एस्टेट 2019 का विज्ञापन क्या है। हम विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरते हैं, हम विज्ञापन के आधार पर परीक्षा देते हैं, विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता है। और जब उसके बाद जब हम सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थी मेरिट में आ गए, तो सरकार शिक्षा मंत्री खास करके चयन की प्रक्रिया में बदलाव करने की सिफारिश तो करते हैं। आवाज के बाहर आप ऐसा क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि जो विज्ञापन आपने विज्ञापित किया था, बिहार सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन संख्या PR 373/2019 विज्ञापित किया था, शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन विज्ञापित किया था, उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया का पालन करे सरकार। परीक्षा परिणाम के बाद चयन प्रक्रिया को आप नहीं बदल सकते, सरकार बदल रही है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला बात की कि आपने कल आत्मदाह करने की कोशिश की, क्या ये सही था? क्या करें बताइए। दूसरा सवाल, क्या करें? क्या करूं मैं? हम लोग थके हारे, हम लोग 6 महीना से संघर्ष कर रहे हैं, 6 महीना से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और 6 महीना के संघर्ष के उपरांत जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में हम लोगों ने यह निर्णय लिया। और ये निर्णय क्या हमारा गलत है? क्या हम इस देश के हम बाहरी लोग हैं? क्या हम रोहिंग्या हैं? क्या आत्मदाह करना संविधान में है लिखा? क्या करें तो बताइए ना, क्या करें? क्या इस देश के सियासतदान संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? हम तो बोले हम बिल्कुल तोड़ेंगे। अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर संविधान को हाथ में लेगा तो हम भी संविधान को हाथ में लेंगे, ये हमने ऐलान किया है। दूसरी बात, अगर कोई संविधान पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर असंवैधानिक काम करेगा तो हम शहीद आजम के रास्ते चुनेंगे, उधम सिंह के रास्ते चुनेंगे। अंतिम सवाल हमारा, आपने कल शिक्षा मंत्री को मारने की धमकी दी है, प्रशासन ऐसा बता रहा है। हमारी मानसिकता को शिक्षा मंत्री ने बदला है। हम देशभक्त आदमी है भाई, हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन आप संविधान पे बैठ के हमको प्यादे की तरह आप करेंगे, शतरंज का गेम खेलेंगे आप, हम क्या करें? कुछ नहीं है, ऐसा कोई मारेगा नहीं, लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट आया। ये ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी मानसिकता को बिहार सरकार ने बदली है, हमारी मानसिकता को सरकार ने बदल चुका है। इस दुनिया में जहाँ जहाँ संविधान की अवहेलना हुई है, जहाँ जहाँ विज्ञापन की अवहेलना हुई है, आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा है। इसलिए कल कितने लोग जल गए थे? हम लोग 3 अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्ण सरकार ने सचिवालय थाना में जाकर के बंद कर दिया। हम पढ़े लिखे विद्वान लोग हाजत में बंद करते हो हमें? संविधान की अवहेलना करने वाले लोग बाहर हैं, संविधान को तोड़ने वाले, बताइए, उठा करके फेंक दिया हमें गाड़ी में। चोट अभी तक कंधा में चोट है, मुझे कंधा में चोट है, मुझे आगे की कार्रवाई हमारी जारी होगी। क्या कुछ किया गया बंद करके, मुझे ये बताइए। हमको सबसे पहले बर्बरतापूर्ण तरीके से उठा करके गाड़ी में फेंक दिया गया। हम कोई सामान है, मोटरी है, हमको बोड़े की तरह उठा कर फेंका गया। अभद्र भाषा का प्रयोग पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया, गलत शब्दों का चयन किया गया, हमें गाड़ी में सैद दिया गया और उसके बाद हमें हाजत में जाके बंद कर दिया, मच्छर में बंद कर दिया। बताइए पुलिस प्रशासन, हम पढ़े लिखे, हम देशभक्त आदमी है और इस संविधान की पालन की बात करते हैं, तुम तोड़ते हो। हम विज्ञापन की बात करते हैं, आप विज्ञापन तोड़ने की बात करते हो। आपने जो विज्ञापन विज्ञापित किया था अखबार में, हम उसकी पालन की बात करते हैं। आगे का संघर्ष ये है, मुझे सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है कि सरकार चयन की प्रक्रिया का पालन करे। सरकार जो बिहार सरकार ने सरकारी विज्ञापन विज्ञापित किया था, उस सरकारी विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव ना करे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। अरे भाई, हमारी मानसिकता को बदल दिया गया, हमें आक्रामक बदल दिया गया। ये हमारा नहीं है, ये पूरे दुनिया में होता है। जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है, वहां वहां आतंकवाद उग्रवाद बढ़ा है। देखिए, हम ही बात करना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि ये गलत है,
ये हम लोग आत्मदाह करने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन हतोत्साहित होकर के हम उसे एग्री नहीं करते हैं कि हम लोग संविधान को अपने हाथ में ले, आत्मदाह करना कानूनी रूप से गुनाह है, ये सही बात नहीं है, लेकिन ये अंतिम रास्ता क्या बचता है? हम लोग तो 6 महीने से शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, जी जी, हम लोग 6 महीने से शिक्षा मंत्री से अपर मुख्य से मिलना, लेकिन वो मिलते भी नहीं है, वो पुलिस प्रशासन को खड़ा कर देते हैं, तो हम लोग क्या करें? इसलिए ये गलत उठा कदम उठाने के लिए ऐसा कोई हम लोग का मंशा नहीं था।